नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चक्षु और आज हम बात करेंगे उन पांच गलतियों के बारे में जो आप लोग करते हैं बर्बरस एक्वाफोलियम को इस्तेमाल करने से पहले। इसी वजह से आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो ज़रूरी है समझना कि अगर आपको बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए तो किस तरह इस दवा को इस्तेमाल करें। वीडियो को शुरू करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे बात समझने के लिए वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। बात समझ में आए तो थम्स अप दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए जुड़ते हैं और होम्योपैथी की पब्लिक इमेज इम्प्रूव करते हैं। देखिए, बर्बरस एक्वाफोलियम जो है ना वो एक बहुत ही फेमस दवा है और होम्योपैथी में इस दवा को जो है फेशियल स्किन हेल्थ के लिए या इन जनरल स्किन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब चाहे आपको एक्ने जैसी परेशानी हो, ब्लेमिशेस हो, या आपको डिस्कलरेशन हो रहे हो, अनहेल्दी स्किन आपको हो रही हो, तो बर्बरस एक्वाफोलियम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हालाँकि देखिए, गलतियाँ भी हैं क्योंकि लोगों के बीच में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचती, अधूरी जानकारी जाती है, तो कई बार गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से कुछ एक्स्ट्रा रिजल्ट्स पाने की जैसे लोग इसे इस्तेमाल करने लग जाते हैं, रिजल्ट्स नहीं मिलते तो कहते हैं बर्बरस एक्वाफोलियम काम नहीं करती। तो आपकी पांच गलतियों को समझिए ताकि आपको बर्बरस एक्वाफोलियम से पूरा लाभ मिल पाए। नंबर वन, ये दवा जो है ये एक एक्सटर्नल एप्लीकेशन का मदर टिंचर है, यानी अगर आप इस दवा को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मदर टिंचर में इस्तेमाल करें, चेहरे के ऊपर लगाने के लिए इस्तेमाल करें, फेस पैक के तौर पर या लिक्विड के तरह से कॉटन में भिगोकर लगाने के लिए इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा कि आपको बर्बरस एक्वाफोलियम से अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपने कहीं पढ़ा है या कोई डॉक्टर आपको किसी तरह से परस्यू कर रहे हैं कि भाई आप इसे पीने लग जाइए 10-15 दिन में 3 बार के हिसाब से या इससे ज़्यादा डोसेज में या इससे कम डोसेज में, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बर्बरस एक्वाफोलियम को मदर टिंचर की बजाय 1x में जो टैबलेट्स आती हैं, ट्राइचुरेशन टैबलेट्स, उन टैबलेट्स में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। उससे ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स हो सकता है आपको मिल पाए। फिर भी मेरा रिकमेंडेशन है कि ये एक एक्सटर्नल मदर टिंचर है, शरीर के खाल के ऊपर लगाने वाली दवा है, उसको उसी तरह से इस्तेमाल करेंगे ट्रॉपिकल एप्लीकेशन में तो आपको रिजल्ट्स ज़्यादा बेहतर मिलेंगे। दूसरी गलती जो हम लोग करते हैं वो ये कि देखिए, बर्बरस एक्वाफोलियम को हम अकेले दवा के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से रिजल्ट्स नहीं मिलते। देखिए, बर्बरस एक्वाफोलियम को हमेशा ऐड ऑन रेमेडी की तरह इस्तेमाल करने में रिजल्ट्स बेहतर मिलते हैं। अब देखिए, आपको नहीं पता आपको जो स्किन के ऊपर स्किन टेक्सचर में प्रॉब्लम आ रही है या एक्ने हो रहे हैं, ब्लेमिशेस हो रहे हैं, निशान पड़ रहे हैं या किसी भी और तरह की दांत खाज खुजली या फिर किसी और तरह के मुहांसे या गांठें आपको जो बन रही हैं वो किस वजह से बन रही हैं आप नहीं जानते, और अगर आप जानते भी हैं तो शायद आपको उससे बेहतर सॉल्यूशन नहीं पता है। तो अगर आप बर्बरस एक्वाफोलियम इस्तेमाल करना चाह भी रहे हैं ना, तो आपको समझना पड़ेगा कि देखिए, ये ऐड ऑन रेमेडी की तरह इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स देगी। यानी अगर जो भी प्रॉब्लम है डॉक्टर से डिस्कस करें, या फिर अगर आप होम्योपैथी के बारे में जानते हैं तो इंटरनल मेडिकेशन की कोई अच्छी दवा सही पोटेंसी में लेने की कोशिश करें, उसके साथ में आप बर्बरस एक्वाफोलियम इस्तेमाल करें, ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अब तीसरी गलती ये सबसे बड़ी ये है कि लोगों के बीच में धारणा बन गई है कि बर्बरस एक्वाफोलियम गोरा बनाने वाली एक दवा है। कहीं ना कहीं गलती हम डॉक्टर्स की भी है, क्योंकि देखिए, YouTube पर या Google पर अगर सही इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो लोगों तक सही जानकारी पहुंचेगी कैसे? केवल व्यूज़ कमाने के लिए गलत जानकारी देना कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, तो ज़रूरी है आपको समझना कि देखिए, ये गोरा बनाने वाली दवा नहीं है, और वैसे भी कंसेप्ट चेंज हो चुके हैं। अब कोई गोरा होने के लिए आगे काम नहीं करता, चेहरे पर ग्लो आना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी रंग के हों, अगर आपके चेहरे पर ग्लो है तो आप ऑब्वियसली खूबसूरत ही दिखाई देंगे। तो देखिए, समझिए, अगर आपकी स्किन अनहेल्दी है, ठीक है, अनहेल्दी का मतलब क्या है, उसके ऊपर अजीब से दाग धब्बे से पड़ रहे हैं, स्किन ड्राई है, अच्छे से प्रॉपरली हाइड्रेटेड नहीं है, उसकी वजह से उसके ऊपर ग्लो नहीं, जो ग्लो होना चाहिए, जो शाइन आनी चाहिए वो नहीं आ पा रही है, क्रैक से महसूस हो रहे हैं या बहुत सारे दाने चेहरे के ऊपर उभरे हुए हैं, जो स्किन है स्मूथ नहीं है, और उसके साथ में कहीं पस्चुलर इरप्शंस आ रहे हैं, कहीं पे आपको एक दाना सा महसूस हो जा रहा है, बार बार दाने निकल रहे हैं, डिस्कलरेशन हो रही है, तो कुल मिला के अनहेल्दी स्किन है। तो देखिए, बर्बरस एक्वाफोलियम इस्तेमाल करने से अनहेल्दी स्किन तो हेल्दी बन सकती है, लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि इससे गोरा हो जाएं तो ये गलत धारणा है। गोरेपन की दवा नहीं है, स्किन को हेल्दी करने की दवा है।
चौथी एक बहुत बड़ी धारणा है कि भाई एक एंटी एजिंग क्रीम है या एक एंटी एजिंग लोशन है या एंटी एजिंग जेल है। अब देखिए समझिए, बर्बरस एक्वाफोलियम एक दवा है, इसे अलग अलग तरह से कॉस्मेटिकल पर्पसेस से जो है मैन्युफैक्चर किया जाता है, कोई लोशन में कर रहा है, कोई क्रीम में कर रहा है, कोई जेल में कर रहा है, तो बहुत सारी कंपनीज अलग अलग तरह से इसे निकालती हैं, ऑब्वियस बात है सेल के लिए। दवा गलत नहीं है लेकिन इसे एंटी एजिंग की तरह इस्तेमाल करना गलत है। अगर आपकी स्किन हेल्दी है तो देखिए, आपने देखा है हमारे ओपीडीज़ में, इनफैक्ट नॉर्मल हमारे घर के आसपास या हमारे रिलेटिव्स में कुछ कुछ हमारे घर की महिलाएं ऐसी होती हैं जो उम्र होने के बावजूद चेहरे की अपनी इंटरनल न्यूट्रिशन की वजह से या एक्सरसाइज करने की वजह से या खुश रहने की वजह से, स्ट्रेस ना लेने की वजह से अपने चेहरे को एक अलग सा जिसे कितना ग्लो देने लग जाते हैं, और जो वो नेचुरल ग्लो होता है ना, अगर आप इसे सोचें कि बर्बरस एक्वाफोलियम लेने से वही वापस ग्लो आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको अपने डाइट, अपने न्यूट्रिशन, अपनी हेल्थ और साथ में अपनी खुशी यानी अपनी इंटरनल हैप्पीनेस, उसका ध्यान रखना है, चेहरा अपने आप दमकने लग जाएगा और आपको किसी एंटी एजिंग दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बड़ा रोल आता है अगर आप चाहते हैं कि बर्बरस एक्वाफोलियम इस्तेमाल करें और साथ में जो है हमारी उम्र बहुत ज्यादा दिखाई ना दे चेहरे पे। अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखिए, स्किन को हेल्दी करने का काम बर्बरस एक्वाफोलियम करेगी, लेकिन इंटरनल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए न्यूट्रिशन अच्छा लेना आपकी जिम्मेदारी है। पांचवीं सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये दाग धब्बे को कंप्लीटली रिमूव करने वाली एक बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक दवा है। ये क्लेम गलत नहीं है, क्लेम बिल्कुल सही है, लेकिन इसके पीछे एक छोटा सा क्लॉज है। क्लॉज ये है कि आप समझिए, बहुत सारे जो डिस्कलरेशंस होती हैं, जैसे यहाँ आँख के ऊपर या साइड्स में या बीचों बीच या इधर पीछे की तरफ में, कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरियाज हैं जहाँ पर डार्क डिस्कलरेशन यानी हल्का सा कालापन आने लग जाता है। ये लिवर स्पॉट्स की वजह से भी हो सकता है, कोलाइटिस की वजह से भी हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से भी हो सकता है। तो किन्हीं भी कारणों से आपके शरीर के ऊपर, चेहरे के ऊपर ये दाग धब्बे जो है आने लग सकते हैं। अब आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, देखिए वो जो दाग धब्बे हैं ना, वो कहीं ना कहीं इंटरनल मेडिसिन से ही जाएंगे। अगर किसी दवा के रिएक्शन की वजह से, किसी एलर्जी की वजह से या किसी भी और कारणों से, सन एक्सपोजर की वजह से अगर आपकी स्किन काली हो गई है, तो वहां पर बर्बरस एक्वाफोलियम नो डाउट अच्छे रिजल्ट्स दिखाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि भाई जब इतनी सारी बातें मैंने बता दी, मिस्टेक्स बता दी, तो कैसे बर्बरस एक्वाफोलियम से हम बेस्ट रिजल्ट्स पा सकते हैं। देखिए समझिए, बर्बरस एक्वाफोलियम को अगर आप अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं स्किन को हेल्दी रखने के लिए, आपका टारगेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मैं इसे रेगुलर तौर पर इस्तेमाल करूंगा, रोज नहीं करूंगा लेकिन हफ्ते में 3 से 4 बार भी अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, एक दिन छोड़ के इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मैं अपने फेशियल स्किन की हेल्थ को या फिर अपने ऐसे एरियाज की स्किन की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं जो नॉर्मली सन एक्सपोजर में आते हैं, तो यहां पर ऐसे एरियाज में बर्बरस एक्वाफोलियम बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। किस तरह इस्तेमाल करें, अगर आपको फेस पे इस्तेमाल करना है ना, तो मेरा रिकमेंडेशन होता है फेस पैक की तरह इस्तेमाल करिए। अब आप फेस पैक कैसे बनाएंगे, फेस पैक बनाने के लिए आपको चाहिए मुल्तानी मिट्टी, आपको चाहिए चंदन पाउडर, आपको चाहिए उपटन और गुलाब जल। अगर ये चार चीज़ें आपके पास हैं, आप इन चारों चीज़ों को मिलाएं, उसमें बर्बरस एक्वाफोलियम का जो लिक्विड है मदर टिंचर में जो आता है उसे मिलाएं, लगभग आप मान के चलिए अगर आपको दिन में एक बार ही यूज करने के हिसाब से फ्रेश बनाना है, तो लगभग 20 बूंद दवा के आसपास इस्तेमाल होगी, आप उसके साथ में मिक्स करें और फिर चेहरे के ऊपर लगाएं। अगर आपको इन सब में से किसी भी कोई चीज से एलर्जी होती है या प्रॉब्लम होती है या दाने होने लग जाते हैं, आप उस चीज को हटाकर बाकी तीनों चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर आप ये फेस पैक इस्तेमाल कर रहे हैं, नेचुरल फेस पैक है, आपको पता है अकेला ये फेस पैक ही बहुत ही अच्छा है और आपके चेहरे पर ग्लो ला सकता है, बर्बरस एक्वाफोलियम साथ में मिलाने से सोने पर सुहागा वाला काम हो जाएगा। तो ये बहुत ही इजी वे है बर्बरस एक्वाफोलियम से बेस्ट रिजल्ट पाने का। दूसरा बहुत ही अच्छा तरीका है, जो लोग नॉर्मली आप समझ लीजिए सन टैन से परेशान हैं, जैसे जो सेल्समैन होते हैं, जो मार्केटिंग में, मार्केटिंग की फील्ड में है, हर समय बाहर रहना होता है या कहीं आप घूमने चले गए, वेकेशन पर गए और उसके बाद आपको सन टैन हो गया है बुरी तरह से, हाथ आपके काले हो गए, यहाँ यहाँ तक हाथ, यहाँ पे आपका चेस्ट एरिया या आपका फेस, आपकी नेक, तो ऐसे में क्या है, एलोवेरा के साथ में बर्बरस एक्वाफोलियम को इस्तेमाल करने से आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। करना क्या है, या तो जो मार्केट में अवेलेबल एलोवेरा जेल है आप उसे ले लीजिए, और या फिर उसके अलावा आप अपने घर में जो एलोवेरा का प्लांट है उसे बीच से फाड़कर उसमें से एलोवेरा का जेल जो है निकाल लीजिए, बर्बरस एक्वाफोलियम के साथ में मिक्स करिए और उसके बाद उसे रात में अच्छे से अप्लाई करिए, कम से कम 10 से 15 मिनट लगे रहने दीजिए, उसके बाद वॉश कर लीजिए। अगर आप ये रेगुलरली करेंगे तो सन टैन से आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं।
तीसरा तरीका सबसे ज़्यादा आसान है, आपको केवल बर्बर सेकोफोलियम का मदर टिंचर लेना है, कॉटन में उसे डालना है, कॉटन सोक करनी है उसके ऊपर और रात में सोने से पहले अपने फेशियल एरिया के ऊपर लगा लेना है प्रॉपरली, उसे थोड़ा सा सूखने का समय देना है और सुबह उठने के बाद आपको इसे वॉश कर लेना है। ये मैं अक्सर उन पेशेंट्स को रिकमेंड करता हूँ जिनको हल्के फुल्के एक्जीमेटस स्पॉट्स होने लग जाते हैं, जैसे एक्जीमा जैसा हो गया, ड्राई स्किन जिनको हो गई, या उनको दाग धब्बे हो रहे हैं चेहरे के ऊपर जो कि एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हो सकते हैं या नॉर्मल किसी भी और रीजन की वजह से हो सकते हैं जो जिसका इंटरनल बीमारी से कोई संबंध ना हो। तो ऐसे में जब हम जो बर्बेरस एक्वाफोलियम है इसे कॉटन में लगा के चेहरे पे लगाने के लिए बोलते हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो देखिए, आई होप कि मैंने आपके कुछ कंसेप्ट क्लियर कर दिए होंगे कि कहाँ पर आप गलती करते हैं बर्बेरस एक्वाफोलियम को इस्तेमाल करते समय और क्या आपको सही तरीके अपनाने चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए बर्बेरस एक्वाफोलियम को इस्तेमाल करने की। तो देखिए, अगर आपकी सोच सही है और अगर इस तरह से पेशेंट इस दवा को इस्तेमाल कर रहा है तो रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे। आपको किसी से ये नहीं कहना पड़ेगा कि भाई इस दवा ने मुझे रिजल्ट्स नहीं दिए, और मेरी यही सोच है, मैं यही चाहता हूँ कि लोग ये ना बोलें कि होम्योपैथी काम नहीं करती, है ना। तो चलिए, आप मुझे लगता है कि अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपने फैमिली के बीच में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार आए थे ना तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।